ट्रेड विद कामरान भवानी, क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं? तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, हम आपको देंगे बरवक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम टू ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या बिलीव नहीं है। कल की व्यू के अंदर आपको खास करके बताया गया था कि देखिए मार्केट ओवरबोर्ड की साइड पर आ चुकी है, 2000 पॉइंट का इजाफा हो चुका है और अब आपने बड़ा एहतियात के साथ ट्रेडिंग करनी है, फूक फूक के कदम रखना है आपने। और आज एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट करेक्शन की तरफ जाएगी। स्टार्टिंग हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली यानी कि पॉजिटिव के साथ स्टार्ट रही और मार्केट एक टाइम में 100 माइनस भी गई, फिर एक टाइम में 200 प्लस तक भी गई। मार्केट ने 41,015 का हाई लिया, लेकिन आपको याद होगा कल 41,027 का हाई लेवल मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट करेक्शन की साइड पर रही और 40,595 का लो टेस्ट करने के बाद 40,630 के करीब यानी कि क्लोज रही 185 पॉइंट माइनस के साथ, क्योंकि मार्केट में 2000 पॉइंट का इजाफा हो चुका था और जब मार्केट ने एक हाई भी रख दिया था। तो इसी हाई के लेवल पे हमने आपको कहा था कि प्रॉफिट टेकिंग की तरफ रहिएगा। आज अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल के वॉल्यूम से कम है। कल 242 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हेस्कॉल है और देखा जाए तो WTL है। टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें कॉलगेट पामोलिव है। टॉप डिक्लाइनर्स में अगर हम देखें तो पार्ट टोबेको वगैरह, ये टॉप डिक्लाइनर्स के ऊपर है। अगर हम सेक्टर वाइज पोजिशन के ऊपर देखें तो सेक्टर वाइज पोजिशन में केमिकल सेक्टर आपका जो है 23 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा है। क्योंकि हमेशा याद रखें, जब कभी भी मार्केट नेगेटिव के साइड पर जा रही होती है, करेक्शन के साइड पर जा रही होती है, तो केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें लोटे केमिकल है, आपका EPCL है, इस तरह के जो केमिकल सेक्टर होते हैं वो थोड़ा चलना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड नंबर पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस 14 पॉइंट प्लस के साथ, टेक्नोलॉजी, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, ये आपके पॉजिटिव रहे। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट में 59 पॉइंट के साथ नेगेटिविटी, कमर्शियल बैंक के 50 पॉइंट, पावर जनरेशन, टोबेको, फार्मास्यूटिकल, इन सबके पॉइंट्स स्लाइटली नेगेटिव नजर आए। बहुत ज़्यादा मंदी तो नहीं हुई है, रेट नहीं टूटे, लेकिन उन स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हुई जो ज़्यादा बढ़ चुके थे, जैसे PSMC, होंडा का, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, इसलिए हमने उनमें प्रॉफिट टेकिंग कॉल भी दी थी। सेकेंड नंबर पर PPL ओवर बढ़ गया था, प्रॉफिट टेकिंग कॉल दी, फिर दोबारा डिप से यानी बाइंग कॉल्स भी जनरेट हुई। इसी तरीके से बाकी स्टॉक्स में भी स्लाइटली प्रॉफिटिंग नजर आई। अच्छा, कुछ न्यूज़ के ऊपर अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो जिस तरह इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है पाकिस्तान के में। जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिविटी है। सेकंड नंबर पे गवर्नमेंट मुख्तलिफ ऑप्शंस पे गौर कर रही है कि मुल्क भर में 8:30 बजे तक मार्केट्स बंद हो जाएंगी, ये ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है और इन्होंने आज मीटिंग्स जो हो रही थी उसमें ये डिसाइड किया। सेकंड नंबर पे ये कि गवर्नमेंट यानी कि डिसाइडेड टू मार्केट क्लोज एट 8:30 PM एंड वेडिंग हॉल्स एट 10 PM। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम डॉलर के हवाले से देखें तो डॉलर में स्लाइटली आज भी इजाफा हुआ और पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, 226.94 रुपये तक आ चुका है डॉलर। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $79.42 के पास ट्रेड कर रहा है। आज फर्स्ट डे था और कल हमने आपको बताया था कि जब भी जैसे मार्केट हॉलीडे के बाद मार्केट स्टार्ट रहती है तो मार्केट के अंदर इजाफा होता है गोल्ड सिल्वर में। क्रूड ऑयल सुबह 81.50 का लो लगाने के बाद इस वक्त 84 सेंट माइनस है, $79.42 के पास चल रहा है। 78 का लेवल ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 80 से लेके 81 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। अच्छा, गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है, गोल्ड सुबह के टाइम तो खैर 1840 से अबव था और इस वक्त $12.70 प्लस है, जबकि सिल्वर में अगर हम देखें तो 24.46 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है, 42 सेंट प्लस है। गोल्ड सिल्वर में भी अगर हम देखें तो अच्छा खासा इजाफा हो चुका है, और जबकि डॉलर इंडेक्स में भी आज अच्छा खासा इजाफा है, $1.5 का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से दुनिया भर की करेंसीज में डिक्लाइन हुआ है। तो गोल्ड सिल्वर में भी ये कि थोड़ा सा हाई पे जाके प्रॉफिटिंग बनती है, और गोल्ड सिल्वर आपके थोड़ा सा प्रॉफिटिंग के साइड पर आ सकते हैं। मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, 40,850 आपका रेजिस्टेंस लेवल है और 40,350 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। कल तक मार्केट आपकी 27 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई थी और आज चूंकि 185 पॉइंट का इजाफा हुआ, 212 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर परफॉर्म कर रही है, जबकि पूरे जो लास्ट ईयर के हिसाब से 2368 पॉइंट अब भी मार्केट ओवरसोल्ड की तरफ है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से
देखिए कल मार्केट आपकी ओवरबोट हो चुकी थी, इस वजह से करेक्शन ड्यू थी मार्केट के अंदर। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ, तो शॉर्ट ग्राफ अपने आप को तकरीबन यानी कि ज़्यादा ये तो नहीं कह सकते कि 100%, लेकिन तकरीबन अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ जो है अपने 80% अपने आपको यानी डिस्काउंट कर चुके हैं, यानी कि डिक्लाइन कर चुके हैं। मजीद 15 या 20 मिनट्स और यानी 20% और हो सकते हैं। स्टार्टिंग में इंडेक्स के पास जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का जो सामना होगा सुबह 10 बजे तक, अगर इंडेक्स की जो क्लोजिंग है सुबह 10 बजे तक 40,800 से अबव आ जाती है तो मार्केट आपकी नो डाउट 41,000 से लेकर 41,300 की तरफ परफॉर्म करेगी। अदरवाइज अगर मार्केट की क्लोजिंग 40,600 से नीचे क्लोज होती है यानी 500 से नीचे क्लोज होती है तो फिर हम मार्केट में मजीद गिरावट देखेंगे। लेकिन चूंकि मार्केट अपना एक हाई लेवल रख चुका है 41,027 और अपने हाई से तकरीबन देखा जाए 400 पॉइंट यानी कि दूरी के ऊपर है, तो अब तेजी जब ही स्टार्ट होगी जब 41,027 का लेवल ब्रेक होगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इंडेक्स के अंदर यानी पॉइंट्स गेन नहीं होंगे, इंडेक्स आपका इसी रेंज में चलेगा। लेकिन आपने करना ये होगा कि हायर पे जाए तो प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पर आए तो अच्छे स्टॉक्स को दोबारा रीबाय करें, क्योंकि इंडेक्स अपने आपको थोड़ा सा करेक्शन यानी कि करेक्शन के मूड फेज में है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा डीके चार्ट के ऊपर देखें तो देखें डीके चार्ट के ऊपर आज लास्ट 3 डेज से मुसलसल मार्केट में तेजी थी और आज के दिन मार्केट में करेक्शन हुई है तकरीबन 185 पॉइंट के साथ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें कई सी एंड इंडेक्स थे तो 80 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि यानी कि कल के दिन से कल 107 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में कमी थी, तो यानी बहुत ज़्यादा सेलिंग तो नहीं कहेंगे, प्रॉफिट टेकिंग कहेंगे। अब कल डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें लॉन्ग चार्ट के हिसाब से तो इंडेक्स का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 40,900 का लेवल है, इससे अबव क्लोजिंग आती है कल के दिन में तो मार्केट आपकी वंस अगेन यानी कि रैली को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज मार्केट की क्लोजिंग अगर बिलो आती है 40,500 से नीचे आती है तो फिर मार्केट का जो मेजर सपोर्ट लेवल होगा 40,000 से लेकर 39,700 होगा, तो कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो कोशिश यही करनी है कि अब इस वक्त लॉन्ग यानी कि व्यू ना बनाए इस लेवल पे, जिनमें ट्रेडिंग आपको बेहतर मिले उस पर ट्रेडिंग करें और हायर पे यानी कि प्रॉफिट टेकिंग करें। इसके अलावा आज भी हमने अपने स्पेशल ग्रुप में रिफाइनरीज की कॉल दी और जिसमें ATRL, NRL, PRL के बारे में बताया। ATRL को हमने 151 पे रिकमेंड किया और 152.99 तक यानी कि उठा। इसके अलावा बलूचिस्तान ग्लास आज ऊपर का लॉक लगा, इसकी भी कॉल दे रहे थे। ओवरऑल स्पेशल ग्रुप में टाइमली ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड स्टॉक की कॉल दी जा रही होती परसेंटेज के लिहाज से, उससे ये आइडिया हो जाता है कि आपने कहाँ बाय करना है और कहाँ सेल करना है, या आप जो बाय कर रहे हैं कहीं ओवरबोट स्टॉक तो बाय नहीं कर रहे, या आप जो बेच रहे हैं कहीं ओवरसोल्ड स्टॉक तो सेल नहीं कर रहे। तो स्पेशल ग्रुप में परसेंटेज के साथ यानी कि स्टॉक शेयर किए जा रहे होते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को, और जिनका अकाउंट मुनी खनानी में है वो भी ईजिली कॉल कर सकते हैं दानिश को, दानिश स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा मेरी टीम से रब्ता भी रख सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।